Hello everyone. We have discussed about the transportation in human beings. Now today's topic is transportation in plants. As we all know, we have discussed in the previous video that how plants take in simple compounds, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को, ये सिंपल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं और फोटोसिंथेसाइज करते हैं वो अपना फूड इन देयर लीव्स. तो बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट बाहर से ऑब्टेन करता है, लेकिन जो सॉइल होती है प्लांट्स में, दैट इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. उसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनके सॉइल में? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंसेस का, वो कहाँ से होता है? फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द रूट. सॉइल में क्या होती है? रूट्स होती हैं, तो रूट से ही इन सब सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है. अब जो भी डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस सॉइल के कांटेक्ट के बीच में, सॉइल कांटेक्टिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन के बीच में अगर कम होता है, मतलब जैसे रूट्स के बीच का और लीव्स के बीच का कांटेक्ट बहुत कम होगा, जो नीचे लीव्स होंगी, तो वहां पे तो डिफ्यूजन से आसानी से रॉ मटेरियल्स और एनर्जी को डिफ्यूज हो सकता है. लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, अगर बहुत दूर दूर होंगी लीव्स फ्रॉम द रूट्स, तो क्या होगा? तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड लीव्स. तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ सफिशिएंट ही नहीं होता है प्लांट बॉडी डिजाइन के लिए. तो इसके लिए क्या होता है? एक अलग प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज होता है इन सारी सिचुएशंस में. अब ऑल ऑफ यू नो दैट प्लांट्स डू नॉट मूव नहीं करते हैं प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह. उनके पास क्या होती है? लार्ज प्रोपोर्शन की बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके काफ़ी सारे टिश्यूज़ में. तो इसलिए एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम एनर्जी का यूज़ करते हैं और बहुत स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उनका. Plant transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots. तो ये सभी को पता है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा प्लांट में वो कहाँ से होगा? वो रूट्स से होगा और लीव्स के थ्रू जाएगा. अगर बहुत डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, नहीं होगा तो अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगेगा. तो ये जो दोनों पाथवेज होते हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स. तो प्लांट्स में क्या होता है? वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं वाटर को और फूड को फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो अब वस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं पहले. कौन कौन से वस्कुलर टिश्यूज हैं? देर आर टू वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल्स भी हम इनको कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द टू वस्कुलर टिश्यूज और वस्कुलर बंडल विच हेल्प इन कंडक्टिंग द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जाइलम. जाइलम क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वस्कुलर बंडल रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा? जाइलम. अब ये जाइलम किससे बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये जाइलम वेजल्स से बना हुआ है, ट्रैकीड्स से बना हुआ होता है, जाइलम पेरिनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि जाइलम एक फुल फॉर्म करते हैं. जिस तरीके से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक तरीके का एक पूरी बॉडी बनाते हैं, तो उसी तरीके से जो जाइलम होता है उसके ये चार कंपोनेंट होते हैं, जाइलम वेजल्स, ट्रैकीड, जाइलम पेरिनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. तो ये ट्यूब की तरह से कनेक्टेड होते हैं जिससे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. Then आउट ऑफ दीज फोर, ट्रैकीड्स एंड वेजल्स जो होते हैं, दीज आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स. ये क्या होते हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, कंडक्ट का काम करते हैं. जो भी वाटर है, मिनरल है, वो ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह. फंक्शन क्या होता है इनका, जाइलम का, कि ये वाटर और मिनरल को कैरी करते हैं लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो जाइलम क्या काम करेगा? वाटर और मिनरल को ये रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर एंड मिनरल का, जाइलम. देन फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम. इट इज़ कम्पोज ऑफ सीव ट्यूब से बना हुआ है, कंपेनियन सेल्स से बना हुआ होता है, फ्लोएम पेरिनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स. इसके कंपोनेंट्स भी चार ही होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरिनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ये चारों क्या बनाते हैं, फ्लोएम बनाते हैं। तो इनमें से सीव ट्यूब्स होते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स फ्लोएम में, और ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो रूट से दूसरी प्लांट में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ सबसे पहले आप बात करेंगे कि किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। दो ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देन नाउ फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होगा, तो जाइलम टिश्यू से होगा। जाइलम टिश्यू में जो वेसल्स होती हैं और ट्रैकीड्स होती हैं, रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की, वो इतनी इंटरकनेक्टेड होती हैं कि एक पूरा कंटिन्यूस सिस्टम बना लेती हैं। अभी मैंने बताया ही है कि ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के, ये एक तरीके का ट्यूब चैनल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जितना भी वाटर होता है, जितना भी मिनरल होता है, वो पास आउट होता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एक तरीके का कंटिन्यूस सिस्टम बना लेते हैं, और वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब किस तरीके से होता है वाटर का कंडक्शन, इसमें एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का। अभी वाटर तो नीचे ही जाता है, रूट्स में ही जाता है, तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल का, मिनरल भी नीचे से ही जाना है सॉइल से और वाटर भी नीचे से ही जाना है, तो अलग अलग पार्ट्स में जब मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप किन कंडीशन से होता है, पहला होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होगा, किस तरीके से वाटर जाएगा लीव्स में, जो वॉल्स होती हैं रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एज यू ऑल ऑफ यू नो, रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर्स की जो सेल के वॉल्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, तो वाटर जो होता है सॉइल से, दैट एंटर्स द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कंडीशन क्या होती है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो जितना भी वाटर होगा सॉइल से, वो किससे एंटर करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करेगा। रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम तक ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, रूट का प्रेशर लगेगा, दैट इज द रूट प्रेशर। देन उसके बाद होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू कैसे होता है, कैपिलरी एक वर्ड क्या होता है, एक अगर हम फाइन ट्यूब की बात करें, बहुत ही एक पतली सी फाइन ट्यूब, उसको हम कैपिलरी कहते हैं। उसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड राइज होता है कैपिलरी में, वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स की वजह से होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। मतलब कैपिलरी क्या होती है, एक फाइन ट्यूब सी होती है भाई। जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर जो ये ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, अगर ये कंटिन्यूस ट्यूब बना रही हैं तो ये बहुत फाइन ट्यूब होगा। उस फाइन ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है या वाटर है कोई भी, उसे क्या होगा, कैपिलरी होगा। तो उसके अंदर जो भी फिजिकल फोर्स लगेगा वो होगा कैपिलरी एक्शन। तो जो वाटर होता है स्टेम में वो राइज होता है अप टू सम हाइट, बाय कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही पूरी हाइट तक जो वाटर है वो पहुँचता है। देन एडिशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब एसेंट ऑफ सैप की कंडीशंस चल रही हैं। एडिशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एडिशन एंड कोहेशन का मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो मिनरल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब क्या होंगे, आपस में क्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एडिशन एंड कोहेशन। देन जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके का क्या बना लेते हैं, कंटिन्यूस कॉलम बना लेते हैं इन जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडिशन। कोहेशन एंड एडिशन क्या होता है, क्लिंगिंग होता है अनलाइक का और लाइक मॉलिक्यूल्स का। तो क्या होगा, एक जब एक जाइलम का एक पूरा कंटिन्यूस ट्यूब बन गया, वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैलेन्काइमा और जाइलम फाइबर का पूरा एक कंटिन्यूस ट्यूब बन गया, तो उसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा किसका, एडिशन का और कोहेशन का। देन उसके बाद है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लॉस होता है वाटर का फ्रॉम स्टोमेटा फ्रॉम द लीव्स। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स इन प्लांट्स। स्टोमेटा आपके प्रेजेंट होते हैं इसमें लीव्स में और लेंटिसल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी स्टेम में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जब ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगा, ये एक तरीके का वैक्यूम बना लेगा जिसकी वजह से एक सक्शन प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। सक्शन का मतलब है बाहर की तरफ कोई भी चीज़ निकलना, तो ट्रांसपीरेशन पुल बना लेगा। तो जो ट्रांसपीरेशन पुल होगा दैट सक्स द वाटर कॉलम फ्रॉम जाइलम ट्यूब्स एंड थर्स वाटर इज एबल टू राइज टू ग्रेट हाइट्स इन टॉलेस्ट प्लांट। तो ये जो जब ट्रांसपीरेशन पुल बन जाएगा तो क्या होगा, ये वाटर कॉलम को सक कर लेगा। वाटर कॉलम कहाँ से आएगा? फ्रॉम द जाइलम ट्यूब। जो जाइलम की ट्यूब्स बनी है, जो कंडक्टिंग ट्यूब्स बनी है, ये वहाँ से वाटर को सक कर लेगा और जिससे जो वाटर है वो ग्रेट हाइट्स में राइज होगा और बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं ट्रांसपीरेशन के। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो भी वाटर और मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये ट्रांसपीरेशन, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा। तो इसलिए ट्रांसपीरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किस कंपोनेंट से होगा? बाय द फ्लोएम। तो जितना भी सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स होता है फोटोसिंथेसिस का, वो उसका ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर लेते हैं बच्चे, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा एंड लैंटिसल्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एंड ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन किस में होगा? ये फ्लोएम में होगा। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को छोड़कर फ्लोएम जो है वो अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के ही प्रोडक्ट को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। प्लांट्स में और भी जो भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स हैं और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ये फ्लोएम से कहाँ जाते हैं? दे आर डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ डिलीवर होते हैं? जो भी स्टोरेज ऑर्गन है, जहाँ भी उनको स्टोर करना है फूड को, जैसे रूट्स है, फ्रूट्स है, सीड्स हैं और ग्रोइंग ऑर्गन्स, इन जगह पर डिलीवर होते हैं सारे सब्सटेंसेस। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है ट्रांसलोकेशन का, ये कहाँ पर होता है? आई हैव टोल्ड यू कि कंपोनेंट्स अभी मैंने बताए ही हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस किस में होता है? सीव ट्यूब्स में होता है, जिसको एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम एटीपी, और जो कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। ये प्रोसेस पूरा कहाँ पर होता है? सीव ट्यूब्स में होता है। और सीव ट्यूब्स में होगा तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कहाँ पर स्टोर होती है और हमारी बॉडी में इसका क्या यूज़ होता है। ये तो प्लांट्स का हो गया, हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है इसका। तो अब जितना भी मटेरियल जैसे कि सुक्रोज होता है वो ट्रांसफर्ड होता है फ्लोएम टिश्यू में। जब फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, ये इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो उसमें मूव करेगा। वाटर मूव करेगा तो जो फूड सब्सटेंस है, जो सुक्रोज है, स्टार्च है, वो मूव करेगा फ्लोएम में। ये मटेरियल, ये प्रेशर क्या करेगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर लगा है फ्लोएम टिश्यू में, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू, जिसकी वजह से जो प्रेशर जो ये लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल है वो फ्लोएम टिश्यू में मूव करेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वी हैव डिस्कस्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वी हैव डिस्कस्ड। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू।